धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान के सामने मुसीबतें आती हैं। कुछ इंसान उन मुसीबतों को अपनी तकदीर समझकर अपने गोल को भूल जाते हैं। उन मुसीबतों में ये सोच लेते हैं कि यही मेरी जिंदगी है, मैं अब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और जो इंसान इन मुसीबतों से एक सबक सीखकर आगे बढ़ता है, वही रचता है इतिहास। आज मैं तुम्हें दो ऐसे बंदों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनके सामने अनेक मुसीबतें आईं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अंदर वो जिद, वो पागलपन था जो उन्हें उनकी मंजिल दिला सकता था। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बनने की सोच रखी है और तुम अपनी मंजिल से भटक रहे हो, तो दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपनी मंजिल को पाने के लिए तड़प उठोगे। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है, और कुछ इंसान अपने अंदर के टैलेंट को जल्दी पहचान लेते हैं और कुछ देर से। एक बंदा जिसने अपने अंदर के टैलेंट को बचपन में ही पहचान लिया था, मैं बात कर रहा हूँ एक माली के बेटे रोनाल्डो की, जिसने केवल 6 साल की उम्र में ही ये पहचान लिया था कि मेरे अंदर फुटबॉल का टैलेंट है। टैलेंट का मतलब उससे ही जिसकी आपको नॉलेज है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। उस बंदे को और चीज़ों से ज़्यादा फुटबॉल खेलना पसंद था, पर ये यह नहीं जानता था कि वो आने वाले टाइम में फुटबॉल का सुपरस्टार बनेगा। फिर उसने फुटबॉल को ही अपना गोल बना लिया, उसकी फुटबॉल की स्किल को देखते हुए। मात्र 11 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने उसे शामिल कर लिया। फिर 1 साल बाद इस बंदे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल की वजह से अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा, और 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टरों ने इसे फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। पर फुटबॉल खेलना इसकी जान बन गया था। उस समय इसके पास दो रास्ते थे, या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर हार्ट सर्जरी करवा ले। पर इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। अपनी जान की परवाह न करते हुए इस बंदे ने हार्ट सर्जरी करवाई, और फिर 3 साल बाद ज़्यादा शराब पीने की वजह से इसके पिता की मौत हो गई, जिसने रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। इसके बाद इनकी फैमिली की कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी कि घर का खर्च चलाने के लिए इनकी माँ को दूसरों के घर में काम करना पड़ा। ऐसी कंडीशन के चलते हुए भी इस बंदे ने अपने पैशन को फॉलो करना नहीं छोड़ा। इसे अपनी मेहनत के लिए, अपने सपनों के लिए पागलपन नहीं छोड़ा। सिर्फ ऐसे पागल लोग ही इतिहास रच सकते हैं। अगर कोई और इंसान होता तो अपनी फैमिली की कंडीशन को देखते हुए अपना गोल भूल जाता और काम करने लगता, पर इस बंदे ने यह तय कर लिया था कि एक दिन मैं अपना नाम इतिहास में दर्ज करा के रहूँगा, चाहे मेरे सामने कितनी मुसीबतें आए, मैं हारूंगा नहीं। और आज देखो, इस बंदे को पूरी दुनिया में नाम है, सिर्फ इसकी जिद और पागलपन की वजह से। अगर इंसान के अंदर अपने गोल के लिए पागलपन आ जाए, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसे उसका गोल पाने से रोक सके, और फिर वही पागल लोग दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। दोस्त, पागलपन की एक और निशानी, मुसीबतें हार जाएंगी इनके सामने। ये पागलपन की कहानी सादे माने की। जब ये बंदा अपने फर्स्ट फुटबॉल ट्रायल के लिए मैदान में उतरा, तो सब लोगों ने उसके फटे हुए जूते देखकर उसकी मजाक उड़ाई, और फटे हुए जूते वाले इस बंदे ने उन लोगों के मुंह पर सक्सेस का तमाचा मार दिया जिन्होंने इसकी मजाक उड़ाई थी। वो कहते हैं ना, किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाज़ा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा बंदा बहुत खतरनाक होता है। अपने गाँव में हॉस्पिटल ना होने की वजह से इस बंदे ने अपने पिता को खो दिया था। फिर उस गाँव में इस बंदे ने अपने दम पर 6-6 हॉस्पिटल खड़े कर दिए। इस बंदे ने 150 किलोमीटर पैदल चलकर अपना फर्स्ट फुटबॉल ट्रायल दिया था, क्योंकि बस से जाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। पर इसके अंदर वो जुनून, वो पागलपन था जिसने इसे पैदल जाने पर मजबूर कर दिया। जब ऐसे हालातों में इस बंदे ने बहाने नहीं बनाए, फिर तुम इससे बेहतर होने के बावजूद भी क्यों बहाने बना रहे हो? ये मत भूलो कि दुनिया किसी बंदे को उसके बहानों की वजह से सलाम नहीं ठोकती, बल्कि उसके पागलपन की वजह से ठोकती है। पागलपन वो चीज़ है ये जिस इंसान के अंदर आ जाए ना, तो उसके दुश्मन को भी उसका फैन बना देती है।